हेलो एवरी वन आफ्टर द टॉपिक एजेंट्स ऑफ पॉलीनेशन देर इज अ स्मॉल सब टॉपिक आउट ब्रीडिंग डिवाइसिस मेजोरिटी ऑफ द इन्जोस्पामिक प्लांट्स जो हैं ये बाई सेक्शुअल होते हैं और अगर ये बाई सेक्शुअल है मीन्स दे हैव मैक्सिमम चांस ऑफ हैविंग सेल्फ पॉलिनेशन और अगर इनमें सेल्फ पॉलीनेशन होगा तो सेम टाइप का जेनेटिक कॉन्स्टिटुएंट प्रजेंट होगा और अगर सेम जेनेटिक कॉन्स्टिटूंट है दैट मीन्स इनमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के चांस होंगे पहला दैट दे देव इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है स्लोली दे विल लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन और दे विल नॉट हैव वेरिएशन एंड अगर उनमें वेरिएशन नहीं होगा देन उनका क्या लॉस है वेरिएशन नहीं होगा तो एज पर द चेंज इन द इन्वायरमेंट दे वॉन्ट बी एबल टू अडाप्ट एंड अगर वो अडाप्ट नहीं कर सकते हैं तो सून एलिमिनेट हो जाएंगे बिकॉज एडजस्टमेंट या अडाप्टशन इज़ द की फॉर द सर्वाइवल ऑफ़ स्पीशीज अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होता है ये सब के लिए अप्लीकेबल है प्लांट या एनिमल सब के लिए सो ये प्लांट्स भी चाहते हैं कि जैसे जैसे इनका एन्वायरमेंट चेंज हो उसके अकॉर्डिंग इनके कैरेक्टर्स भी चेंज हो ये अडाप्ट करें बट अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो ये अडाप्ट नहीं कर पाते हैं सो देअर फोर प्लांट्स क्या करते हैं ये अवॉइड करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को और ये जिस मैकेनिज्म के थ्रू जिन डिवाइसेस के थ्रू अवॉइड करते हैं उसको हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं क्या techniques use all, ये क्या टेक्निक्स यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये अवॉइड करते हैं सिंक्रोनी सिंक्रोनी का मतलब है द मेच्यूरेशन ऑफ स्टिग्मा एंड मेच्योरेशन ऑफ एंथर टेक्स एट द सेम टाइम जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो उसी टाइम पे एंथर मेच्योर हो जाए टू लिब्रेट टू रिलीज द पोलिनग्रेन अगर ये एक साथ होता है तो उसको सिंक्रोनी कहते हैं ये प्लांट्स क्या करते हैं ये सिंक्रोनी को अवॉइड करते हैं या तो इनमें स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगी या इनका एंथर पहले रिसेप्टिव हो जाएगा सो इन दिस केस क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन इनमें पॉसिबल नहीं है अब ये रिसेप्टिविटी एंड सिंक्रॉनी प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं है हमें नेक्स्ट सेकेंड ये क्या करते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी ये अपने ही ग्रेन को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसको अपनी स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं करते ये एसेस डिनाइड कर देते हैं इसको हम सेल्फ इनकोम्पैटिबिलिटी कहते हैं अपने ही फ्लावर के अपने ही एंथर के ग्रेन को ये स्टेगमा पे जर्मिनेट नहीं करने देंगे सो अगर जर्मिनेट नहीं करेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता नेक्स्ट ये क्या करते हैं दे ट्राई टू बिकम यूनिसेक्शुअल वेरिएशन डेवलप करते हैं धीरे धीरे ये यूनिसेक्शुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड द प्लेस एंड पोजिशन ऑफ स्टेग्मा प्लेस एंड पोजिशन ऑफ स्टिग्मा डिफर हो जाती है या तो स्टिग्मा टू लॉन्ग होगा या तो टू शॉर्ट होगा एंड इफ इट इज़ टू लॉन्ग एंथर के क्लोज नहीं प्रजेंट होगा तो पॉलिन ग्रेन्स इजली ईजिली रीच नहीं कर पाएंगे सो द साइज ऑफ स्टिगमा एंड एंथर इज डिफरेंट इधर देल बी टू लॉन्ग और दे बी टू शॉर्ट सो दीज आर द मैथड दीज आर द मेकेज्म दीज प्लान्स अडाप्ट टू अवॉइड सेल्फ पॉलीनेशन टू हैव क्रॉस पोलिनेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर सीड पोलिन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचना एंड देन स्टिग्मा से पोलिन ट्यूब का जर्मिनेशन एंड इस पोलिन ट्यूब की जर्नी टिल द ओव्यूल ओव्यूल तक की जो जर्नी है इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिन पिस्टल इंटरेक्शन पोलिनेशन कभी भी गारंटी नहीं देता है कि पोलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा बिकॉज पिस्टल में कैपेबिलिटी होती है कैपेसिटी होती है टू आइडेंटिफाई द कॉम्पैटबल एंड इनकॉम्पैटबल पॉलिन ग्रीनस कॉम्पैटबल का मतलब है वो पोलिन ग्रीन जो उनकी ही स्पेशीज को बिलोंग करता है वो उसको आइडेंटिफाई करती हैं देन उसको जर्मिनेट करने को अलाउ करती हैं एंड इफ इट डजेंट बिलोंग टू देम वो उसको रिजेक्ट कर देती हैं इसी को कहते हैं कॉम्पैटबल एंड नॉन कम्पैटबल बट हाउ दे आइडेंटिफाई दे ओन टाइप द कॉम्पैटबल टाइप इसके लिए पिस्टल एंड पोलिन में केमिकल रिएक्शंस होते हैं केमिकल इंटरेक्शन होता है जिसको केमिकल डायलॉग भी कहते हैं अगर ये केमिकल डायलॉग केमिकल इंटरेक्शन अच्छा हुआ हेल्दी हुआ दैट मीन्स उनको बिलोंग करते हैं उनका जर्मिनेशन होगा और अगर नहीं होता है तो ऐसे पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा शेड कर देती है स्टिग्मा इनको रिमूव कर देती है अपनी सरफेस से इफ़ इन केस स्टिल नॉन कंपैटिबल प्रोटी पॉलिन ग्रीन जर्मिनेट भी कर जाते हैं देन स्टाइल ब्रेक हो जाती है एंड ऐसे पोलिनग्रेन शेड कर दिए जाते हैं इफ इनकेस बहुत ढीठ वाले पोलिनग्रेन थे स्टाइल के थ्रू जर्मिनेट कर गए एंड ये ओव्यूल तक पहुँच गए सो ओव्यूल के पास फिलीफॉम अपराटिस होते हैं ये फिलीफॉर्म अपेरेटिस ऐसे नॉन कॉम्पैटेबल पॉलिन ट्यूब्स की एंट्री ही नहीं प्रोवाइड करते हैं दैट मीन्स एसेस डिनाइड कर दिया जाएगा बट अगर पॉलिन ग्रेन्स कंपैटिबल हैं तो इन पॉलिन ग्रेन से पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन अलाउड होगा एंड देन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमटोफाइट विद द कंपैटिबल पॉलिन ग्रेन्स रीचेज ऑन द स्टिगमा इट मे बी अंड टू सेल्ड स्टेज और थ्री सेल्ड स्टेज टू सेल्ड स्टेज अगर इसमें सिर्फ जेनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल प्रजेंट है तो वो टू सेल्ड स्टेज में होगा एंड अगर जनरेटिव सेल मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन कर चुकी है एंड दो मेल गैमीट्स हैं एंड एक वेजिटेटिव सेल है तो इसमें थ्री सेल्ड स्टेज में होगा सो so, पॉसिबल है कि ये टू सेल्ड स्टेज में हो या थ्री सेल्ड स्टेज में हो वंस द कॉम्पैटिबल पॉलिन ग्रीन रीजेज ऑन द स्टिग्मा दैट टाइम द स्टिगमेटिक फ्लूइड सिक्रीटेड बाई द स्टिग्मा स्टिगमेटिक फ्लूड स्टिग्मा से क्रीट करती है इसमें मिक्स होता है शुगर लिपिड रेजिन इन एक्सेट्रा पोलिन ग्रीनस इस स्टिग्मेटिक फ्लूड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड इन लार्जेज इन साइज देन पोलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ स्टार्ट करते हैं ये जर्मिनेशन जब पोलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है एट द सेम टाइम जो इंटाइन का कंटेंट होता है जो लिक्विड इनसाइड द पोलिन सेल प्रेजेंट था वो पोलिन ट्यूब में माइग्रेट करने लगता है मूव करता है एंड देन पोलिन ट्यूब ग्रेजुअली स्टाइल से ग्रो करते हुए माइक्रोपाइल तक पहुंचती है बट स्टाइल में जो सेल्स एंड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो इंटरफेयर कर सकते हैं इनकी ग्रोथ को या पोलिन ट्यूब के जर्मिनेशन को सो दैट टाइम पोलिन ट्यूब एंजाइम से क्रिएट करती है ये एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये उनके अराउंड की सेल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं एट द सेम टाइम अगर ये टू सेल्ड ग्रेन था तो जब पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा था स्टाइल से माइक्रोपाइल तक उसी बीच में जो जेनरेटिव न्यूक्लियस होगा वो माइटोटिकली डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है तो जब पॉलिन ट्यूब माइक्रोपाइल पे रीच करती है या ओव्यूल पर पहुंचती है दैट टाइम इसमें दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है देन ये पॉलिन ट्यूब इंटर करती है एम्ब्रियो सैक में एंड एम्ब्रियो सैक से ये इंट्री लेती है थ्रो दी सिनरजिट्स सिनरजिट्स में फिलीफॉर्म अपेटिस होते हैं ये फिलीफॉर्म अपेटिस उसको पाथवे प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे ही मेल गैमी लिब्रेट कर दिए जाते हैं क्योंकि पोलिन ट्यूब यहाँ पे रैप्चर कर जाती है तो पोलिन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में तीन तरीके से हो सकती है तीन पाथवे होते हैं पहला है पोरोगैमी पोरोगैमी जब पोलिन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करती है तो उसको पोरोगैमी कहते हैं सेकेंड है चैलेजोगेमी जब माइक्रोपाइल चैलेजल एंड से चैलेजल रीजन से एंटर करती है एम्ब्रियो साख में तो उसको हम चैलेजोगी कहते हैं एंड लास्ट इज मीजोगी जब पॉलिन ट्यूब डायरेक्टली एंट्यूगमेंट से एंटर करने की कोशिश करती है तो उसको हम मीज़ोगी कहते हैं सो so इन तीनों वेस से कहीं से भी पॉलिन ट्यूब एंटर कर सकती है एंट्रो द एम्ब्रियो साख एग्जैक्टली exactly वैसा ही है जैसे आपकी एंट्री आपके स्कूल में होती है फर्स्ट गेट से आप जा सकते हैं आप सेकेंड गेट से जा सकते हैं या बाउंड्री वॉल को क्रॉस करके आप अपने स्कूल में एंटर कर सकते हैं तीन रास्ते आपके स्कूल में भी हैं यहाँ भी तीन रास्ते हैं फॉर द एंट्री ऑफ द पोलिन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल पॉलिन ट्यूब की एंट्री के बाद पॉलिन ट्यूब रैप्चर कर जाती है जब ये सैक में पहुंचता है वहाँ पे ये दो मेल गैमिट्स को रिलीज कर देते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड इनमें से एक मेल इमीडिएटली एग सेल से फ्यूज करता है एंड जायगॉट का फॉर्मेशन करता है इस प्रोसेस को हम सिन गैमी कहते हैं एंड सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई से एंड इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं बिकॉज सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी डिप्लॉयड इन नेचर है एंड थर्ड मेल ग्यामीट उसमें ऐड हो जाता है इसीलिए ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है इसीलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं बिकॉज़ यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल ग्यामीट दो बार होता है एक बार जब सिनगैमी हुई एंड दूसरी बार जब ट्रिपल फ्यूज़न हुआ सो दैट्स वाई इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं सो द रिजल्ट ऑफ सिंगी दैट इज इजगॉट अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फ्यूचर में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है एंड द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज पीई एन दैट इज प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस फ्यूचर में एंडोस्पम का फॉर्मेशन करता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डिवाइडिंग जयगॉट को या एम्ब्रियो को सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू